चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के आमिर खान को ऐसे ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं कहा जाता है। इनकी फिल्में जब भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है हमेशा कुछ ना कुछ नया रिकॉर्ड बना के ही जाती है। आपको बता दें कि आमिर खान के सीक्रेट सुपरस्टार ने जहां बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था, उसके बाद सीक्रेट सुपरस्टार ने चीन के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। अब खबर आ रही है कि सीक्रेट सुपरस्टार एक बार फिर से हांगकांग में अपनी सफलता का परचम लहरा रही है। जी हां, आपको बता दें कि सीक्रेट सुपरस्टार हांगकांग के बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई कर रही है। बॉलीवुड के ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करके यह जानकारी दिया है कि दो दिन में आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार ने करीब 2,70,00,000 की कारोबार का कर चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि चीन में इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी और ये दंगल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। चीन में सीक्रेट सुपरस्टार ने करीब 750 करोड़ रुपए की कमाई की है। आमिर खान की दो फिल्में दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार ने चीन के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। इस तरीके से आमिर खान का जलवा भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ साथ अब चीन के बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम कर रखे हैं। आपको बता दें कि हालांकि सलमान खान की पहली फिल्म बजरंगी भाईजान ने भी चीन के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चीन के बॉक्स ऑफिस पर अपना नाम दर्ज करा पाई है।